हेलो बच्चों, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 छात्रों को रिजल्ट को लेकर सबसे बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के छात्रों के लिए जो है ऑफिशियली सीबीएसई बोर्ड के कंट्रोलर संयम भारद्वाज जी की तरफ से सबसे बड़ी अपडेट क्लास 10 रिजल्ट को लेकर, जो आपका असेसमेंट में सीबीएसई बोर्ड ने बदलाव किया है उसको लेकर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट आ रही है। वहीं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 छात्रों के लिए गुड न्यूज भी होने वाली है इस वीडियो में कि क्लास 10 का सीबीएसई बोर्ड जब रिजल्ट आपका जुलाई में जारी करेगी तो उस समय सीबीएसई बोर्ड का पासिंग परसेंटेज आप लोग देखेंगे तो 99 to 100% सीबीएसई बोर्ड का पासिंग परसेंटेज रहने वाला है। यानी सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के छात्र जो डर रहे हैं पास होने को लेकर, कंपार्टमेंट ना आ जाए हमारा, तो ऐसे में सीबीएसई बोर्ड का जो रिजल्ट 99 to 100% जाएगा। तो यानी कि सीबीएसई बोर्ड के मोस्ट ऑफ द छात्र, यानी कि हर एक छात्र जो है सीबीएसई बोर्ड में पास होने वाले हैं। क्लास 10 का हर एक बच्चा इस बार पास हो जाएगा। कैसे होगा पूरी कंप्लीटली ये भी समझेंगे। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 छात्रों के लिए सबसे पहली अपडेट की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 रिजल्ट को लेकर छात्रों को इंतजार है। वहीं हरियाणा बोर्ड ने क्लास 10 का रिजल्ट जारी कर दिया और इसी तरीके से देश भर के कई सारे स्टेट जो है क्लास 10 का रिजल्ट उन्होंने जारी कर दिया है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड को छात्रों को वेट करना होगा। हरियाणा बोर्ड ने जो है क्लास 10 का रिजल्ट जारी किया वो सेम क्राइटेरिया को फॉलो करते बताया, यानी इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे जारी किया। हरियाणा ने भी जो है क्लास 10 का एग्जाम को कैंसिल कर दिया था और इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे इन्होंने रिजल्ट बनाया और बेहद ही जल्दी जो है इन्होंने क्लास 10 रिजल्ट को प्रिपेयर कर लिया और साथ ही साथ क्लास 10 का रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया। सबसे बड़ी खबर जो यहाँ पे निकल के सामने आ रही है कि हरियाणा बोर्ड ने जो है पास परसेंटेज का एक रिकॉर्ड बनाया है 100%। यानी कि हरियाणा बोर्ड के जो भी छात्र थे क्लास 10 के, चाहे वो रेगुलर छात्र हो चाहे वो कंपार्टमेंट छात्र हो, सभी को हरियाणा बोर्ड ने पास कर दिया। यानी हरियाणा का रिजल्ट 100% रहा है, सभी छात्र पास हो गए हैं। जितने भी लाख छात्र जो है हरियाणा क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स में शामिल हुए थे जिनका परीक्षाएं कैंसिल हुई थी, उन सभी बच्चों को हरियाणा ने पास कर दिया। और यहाँ पे सबसे बड़ा हिंट सीबीएसई बोर्ड को लेकर भी आपको निकल के सामने आता है। हरियाणा बोर्ड से पहले आपका पंजाब ने भी क्लास 10 का रिजल्ट को जारी कर दिया था और इसी तरीके से देश भर के तमाम कई सारे स्टेट है जिन्होंने रिजल्ट को जारी किया था और सभी ने जो है आपके सेम क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए रिजल्ट जारी की थी। यानी कि एग्जाम कैंसिल होने के बाद सेम क्राइटेरिया को फॉलो किया था और उसके बाद जो है उनका रिजल्ट आया। यानी पंजाब की बात करें तो पंजाब का 99.9% पासिंग परसेंटेज रहा, यानी कि पूरी तरीके से 100% के करीब मान सकते हैं। और हरियाणा बोर्ड का बात करें तो हरियाणा का 100% रिजल्ट रहा। इसी तरीके से कई सारे स्टेट बोर्ड के रिजल्ट आए जहां पर कई सारे जगह पर जो है 99.07 समथिंग रहा, कहीं परसेंट जो है 99.2% रहा। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो हर एक छात्रों का जो है रिजल्ट जो है यहां पे हर एक बोर्ड का 99% प्लस ही रहा। तो इसका मतलब सीधा सीधा समझिए कि सेम क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए स्टेट बोर्ड का जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो अराउंड जो है 100% के करीब रह रहा है। तो ऐसे में सीबीएसई बोर्ड का भी रिजल्ट जो है इस बार 99 to 100% जाने वाला है, सेम क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए ही आपके स्टेट बोर्ड का रिजल्ट इस तरीके से आ रहा है। पढ़ाई के दौरान किसी क्वेश्चन में डाउट आ गया है तो घबराइए नहीं, डाउटनट है ना। आपके किसी भी क्वेश्चन में डाउट है उसकी सिंपली एक फोटो क्लिक करिए, फोटो खींचने के बाद आपको उस क्वेश्चन को क्रॉप कर लीजिए, 5 सेकंड के अंदर आपको मिल जाएगा डाउटनट पे वीडियो सॉल्यूशन। चाहे वो आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी बोर्ड का हो, महाराष्ट्र या किसी अन्य बोर्ड का हो, सबका सॉल्यूशन आपको मिलेगा डाउटनट पे। क्लास 6 to 12 के क्वेश्चन हो, आईटी जेई मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन हो, या फिर आपके क्वेश्चन फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। साथ ही आप डॉटनट पे पढ़िए कोटा के टॉप फैकल्टीज जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के साथ। यानी अब आपकी हर पढ़ाई होगी डॉटनट ऐप पे। 3 करोड़ से ज्यादा छात्र अपनी पढ़ाई कर रहे हैं डॉटनट ऐप पे, तो आप भी डाउनलोड करिए डॉटनट। तो ऐसे में जो छात्र अपने रिजल्ट को लेकर डर रहे हैं कि हमारे कंपार्टमेंट आ जाएंगे या हमें फेल कर दिया जाएगा, तो ऐसे में आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सीबीएसई बोर्ड आपके लिए हमेशा बेस्टी करेगी और क्लास 10 का इस बार इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे रिजल्ट बन रहा है, यानी कि 99 to 100% सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट इस बार जाएगा। और पूरी तरीके से मान सकते हैं कि सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट 99 नहीं बल्कि 99% प्लस यानी 100 के करीब सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट इस बार रहने वाला है। वहीं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 छात्रों के लिए सबसे बड़ी अपडेट की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 छात्रों के लिए एक और सबसे बड़ी अपडेट आई है जो क्लास 10 के हर एक छात्रों को ध्यान से देखना चाहिए। आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं, अगर आपका स्कूल सीबीएसई से एफिलेटेड है और अगर आने वाले यानी कि बात करें तो इसी ईयर एफिलेटेड हुआ है, आने वाले यानी लास्ट के 2 से 3 सालों में न्यूली सीबीएसई बोर्ड का स्कूल बना है, तो आपके लिए असेसमेंट में सीबीएसई बोर्ड ने बदलाव कर दिया है। यानी जिन स्कूलों के पास पास 3 ईयर का रिजल्ट नहीं है क्योंकि वो स्कूल जो है न्यूली एफिलेटेड हुए हैं, तो उनके लिए सीबीएसई बोर्ड ने असेसमेंट में सबसे बड़ा बदलाव कर दिया है। सीबीएसई बोर्ड के कंट्रोलर संयम भारद्वाज ने इसकी सबसे बड़ी जानकारी दी और साथ ही साथ कहा कि जो स्कूल जो है न्यूली सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड हुए हैं उनको जो है अपना रिजल्ट जो है पास 3 ईयर के बेसिस पे तो बना नहीं पाएंगे, क्योंकि बात करें तो 2020 में या 2019 में जो है वो स्कूल सीबीएसई बोर्ड में थे ही नहीं, वो इससे पहले जो है न्यू बने हैं या इससे पहले वो किसी राज्य बोर्ड में थे लेकिन वो अब जो है सेंट्रल बोर्ड में आए हैं। तो ऐसे में इन
स्कूलों को पास जो है पास्ट ईयर का रिजल्ट नहीं है, तो ऐसे में कहा गया है कि वो रिजल्ट जो अपना बनाएंगे वो अपने जिले के स्तर पर बनाएंगे या अपने राज्य के स्तर पर बनाएंगे। यहाँ पे साफ साफ पढ़िए, जून के बाद जो है पास्ट थ्री ईयर का रिजल्ट का डेटा नहीं है, वो जो है अपने जिला के स्तर पर राज्य के स्तर पर अपना रिजल्ट को प्रिपेयर करेंगे। यानी कि आप लोग जिस स्कूल में पढ़ते हैं, आपका स्कूल जिस जिले में आता है या जिस राज्य में आता है, उस राज्य का जो ओवरऑल जो है क्लास टेन का पासिंग परसेंटेज रहता है उसी के बेसिस पे रिजल्ट को बनाना होगा। यानी कि एक एग्जांपल के तौर पे समझिए, बिहार का एक एग्जांपल यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है कि एक पटना जिला जो है, पटना जिला की बात करें तो पूरे पटना जिला में जो है दसवीं का रिजल्ट जो है आपका रहा था 86% रहा था, तो इसी को बेस मान के उन्हें रिजल्ट प्रिपेयर करना होगा। और वहीं पूरा बिहार राज्य की बात करें, यानी कि जिले की बात करें तो 86% रहा था और पूरे बिहार की राज्य की बात करें तो 85% पासिंग परसेंटेज रहा था, तो इस बेसिस पे जो है उनको रिजल्ट को बनाना होगा। तो ये जो है स्कूल डिसाइड करेंगे कि वो जिला के स्तर पे बनाए या राज्य के स्तर पे बनाए, तो इनके लिए असेसमेंट अलग होने वाला है कि जिनके पास लास्ट थ्री ईयर का डेटा नहीं है। लेकिन कंट्रोलर सन्य भारद्वाज ने इसकी पूरी जानकारी जो है सभी उन स्कूलों को भेज दिया है जो अभी न्यूली एफिलिएटेड हुए हैं, जिनके सामने ये प्रॉब्लम आ रही थी। अगर आपका स्कूल भी न्यूली सीबीएसई बोर्ड में आपका जो है जुड़ा है, तो आप लोग नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा, आपके लिए असेसमेंट पूरी तरीके से एप्लीकेबल होने वाला है, आपके स्कूलों में यही चीज फॉलो होने वाली है। तो इसी को लेकर और भी लगातार अपडेट पे बने हुए हैं, तो क्लास टेन के साथ नीचे कमेंट करके जो बताइए। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो नीचे यस लिखिएगा जरूर से जरूर, और साथ ही साथ इस वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। जय हिंद।